यही दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि रेलवे की अप्रेंटिसशिप आने वाली हैं कुछ जो है 2023 में, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कब जो है आने वाली हैं और जो है किस जोन की आने वाली हैं, क्योंकि दो नोटिफिकेशन है मेरे पास, उसको मैं दिखाऊँगा आपको और जो है उससे पता चलेगा कब आएगी। और जो है 3600 की पोस्ट पर लगभग आएगी, 3600 पोस्ट से ज़्यादा, तो आपको जो है वीडियो में अंत तक देखना है पूरा और तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे जो है ITI से रिलेटेड और रेलवे अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड हम सारी जानकारी देते हैं, तो आपको करना क्या है, वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। हम वीडियो के लास्ट में अभी बताएंगे कि आप जो है किस किस ट्रेड के जो है बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब मैं आपको नोटिफिकेशन बता रहा था, वो नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। जो मैं नोटिफिकेशन की बात कर रहा था, तो वो नोटिफिकेशन, एक ये नोटिफिकेशन है और ये एक नोटिफिकेशन है। इसमें जो है अप्रेंटिसशिप 2021 की है, क्योंकि इसमें WCR यानी कि वेस्टर्न रेलवे की हम बात कर रहे थे कि जो है वेस्टर्न रेलवे में वैकेंसी आनी है जो 3600 पोस्ट से ज़्यादा आने वाली है। तो इसमें हम पिछले नोटिफिकेशन की बात करेंगे, क्योंकि पिछले साल जो है 2021 में 25/5/2021 को आई थी वैकेंसी, और जो है 25/6/2021 तक जो है आपने फॉर्म फिल किया था, लगभग एक महीने का आपको टाइम मिलता है। और दूसरी नोटिफिकेशन 2022 की है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये है 2022 की नोटिफिकेशन, जिसमें 28/5 यानी कि 28 मई को फॉर्म आए थे और 27 जून 2023 को फॉर्म चले थे, यानी कि एक महीने तक की आपको टाइम मिला था। इसमें भी एक महीने का टाइम मिलता है आपको फॉर्म फिल करने का, तो उसी में आपको फॉर्म फिल करना रहता है। तो जो है आपको, अब मैं बताता हूँ, ये मैंने पिछला जो है 2 सालों का रिकॉर्ड बताया है कि हाँ इस डेट को आती हैं। तो जो है इसमें आने की संभावना कब तक है, ये जो है मई के लास्ट वीक और से जून के जो है फर्स्ट वीक तक आने की जो है उम्मीद है, क्योंकि जो है इसी के बीच में फॉर्म आते हैं। इस बार जो है डिले किस वजह से हो रहा है, क्योंकि जो है अभी जो है ज्वाइनिंग चल रही थी किसकी, ग्रुप डी की, तो लगभग ज्वाइनिंग हो गई है ग्रुप डी की और कुछ कैंडिडेट बचे हुए हैं, उनकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी 15 तक कम्प्लीट। तो जो है उसके बाद जो है सारी डिले हो रहा था, लेकिन इस बार जो है थोड़ा डिले होगा। तो जो है लगभग मई के लास्ट वीक से लेकर जून के फर्स्ट वीक तक आ जाएगी वैकेंसी। वैकेंसी जो है 3700 पोस्ट यानी कि 3600 से 3700 पोस्ट पर आएगी वैकेंसी। तो जो है आपको बिल्कुल रेडी रहना है, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना है और जो है आपको दिक्कत नहीं होगी। कहते हैं कि आप जो है यहाँ से करते हैं अप्रेंटिसशिप, तो आपको जो है 20% का कोटा मिलता है। कोटा यानी कि आपको 20% की लेवल 1 की वैकेंसी में 20% की आपको छूट मिलती है। छूट मिलती है तो जो है आपको बेनिफिट यही मिलता है कि आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो इतना आपको बेनिफिट मिलता है। जो है हम बात करें कि इसमें जो है लगभग 3700 पोस्ट पर वैकेंसी आएंगी। अब एज लिमिट की बात करें तो आप जो है 15 साल से 24 साल के बीच में हैं और ITI कर रखी है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो है आपको OBC, SC और ST से हैं तो आपको जो है OBC से हैं तो छूट मिलती है 3 साल की, SC और ST से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलती है एज में। तो जो है आगे बात करें कि इसमें जो है किस किस कैंडिडेट यानी कि कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो जो है इसमें जो है फिटर की हो गए कैंडिडेट, वेल्डर की हो गए, टर्नर की हो गए, मशीनिस्ट की हो गए, और जो है बात करें तो कारपेंटर हो गया, पेंटर हो गया, पेंटर जनरल, और जो इलेक्ट्रीशियन हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो गया, और वायरमैन हो गया, आरएसी हो गया, इस ITI कर रखी है, और जो है पाइप फिटर हो गया, प्लम्बर हो गया, और ड्राफ्टमैन सिविल हो गया। और बात करें तो स्टेनोग्राफर, इसकी भी वैकेंसी इसमें निकलती है। तो जो है आप ये ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं, आपने कर रखा है ITI, तो आप बता दें कि इसमें जो है मेरिट किस हिसाब से बनती है। आप जो है 10th में जितने परसेंट हो और जो है ITI में जितने आपके परसेंटेज हों,
तो दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि आपके जो है 10th में 60% हैं, आईटीआई में 80% हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 140 आएगा, तो 140 को 200 डिवाइड करेंगे, 200 डिवाइड जैसे ही आप करेंगे, सॉरी 140 होगा, 140 को 200 डिवाइड करेंगे तो आपका परसेंटेज कितना बचा जाएगा, एवरेज 70% आपका एवरेज परसेंटेज बनेगा। तो जो है इसी तरह आप ऐड करके देख सकते हैं, इसी तरह बनता है मेड लिस्ट। और जो है हम बात करेंगे इसमें जो है 100 रुपये आपको पड़ते हैं, यानी कि फॉर्म फिल करने के लिए। तो जो है आप चैनल से जुड़िए, क्योंकि जो है जैसे ही फॉर्म आएगा तो मैं जो है वीडियो डाल दूंगा, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वैसे ही आप देखेंगे वीडियो और अप्लाई कर देंगे। तो जो है हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में ज्वाइन करिए, और उसके बाद जो है आप इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं, फॉलो करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए।